बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, हम ना आज अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो आप देखें ट्रांजेक्शन रिक्वायरमेंट लिखी हुई है जी, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। ट्रेडर हम ताजिर को कहते हैं, एक बिजनेस मैन है, उसकी बुक्स में हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। इसको आप देखते जाएंगे। 1 अगस्त की ट्रांजेक्शन है जी। इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल, लास्ट क्वेश्चन है। पिछले सारे क्वेश्चंस में डिटेल से मैं बता चुका हूँ, फिर भी जो मैं यहाँ पर बताता जाऊँगा, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है, आप लोग देख लें ज़रा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल, कैश इंट्रोड्यूस हुआ यानी बिजनेस में कैश आया। एज कैपिटल, कैपिटल का वर्ड कब आता है? जब ऑनर की तरफ से पैसे कारोबार में आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कैश कारोबार में आ रहा है ऑनर की तरफ से, तो कैश भी इंक्रीज होगा और ऑनर का सरमाया भी इंक्रीज होगा। तो यहां पर दो अकाउंट बनेंगे, एक कैश का और दूसरा कैपिटल का। आपने कैश अकाउंट, जब भी बिजनेस में कैश आता है, कैश हमारा एसेट होता है, क्योंकि जो चीज़ आपको बेनिफिट देती है वो आपका एसेट है। कैश एसेट है, एसेट में जब भी इंक्रीज आती है डेबिट करते हैं, तो बिजनेस का कैश बढ़ रहा है, आपने इसको 1,48,000 से डेबिट कर देना, बढ़ रहा होगा तो डेबिट करेंगे। और ऑनर के सरमाए में भी यानी कि उसके कैपिटल में भी इंक्रीज आ रही है, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा हमेशा उसको क्रेडिट करेंगे, तो आपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लेना 1,48,000 से। और यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है दैट इज ऑफ 1 अगस्त, ईयर नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखेंगे। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी और नरेशन लिख दें इसकी, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा स्टूडेंट्स, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹30,000। फर्नीचर खरीद रहे हैं, 30,000 रुपया दिया हमने साथ ही, यानी फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश भी हमारा एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है, तो फर्नीचर के ऊपर भी एसेट वाले रूल लगेंगे। फर्नीचर जब बिजनेस में आ रहा होगा, इसका मतलब है फर्नीचर वाला एसेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो आपने डेबिट करना है, तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश बिजनेस से जा रहा होगा, कैश भी हमारा एसेट होता है, एसेट में जब भी कमी होती है क्रेडिट करते हैं, तो आपने क्रेडिट करना है। अमाउंट यहाँ पर है जी 30,000 से, तो 30,000 से आप ये रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर शॉर्ट सी नरेशन लिख दें, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। डेट इसकी मेंशन करेंगे, सेम डेट है जी, 1 अगस्त ही। नेक्स्ट देखिएगा, लिखे लिखा हुआ जी कैश परचेजेस फॉर ₹16,000। कैश परचेजेस का मतलब है परचेज की है कैश पर, हम परचेजेस का जब भी वर्ड आता है वो बेसिकली गुड्स के लिए आ रहा होता है, तो बजाय ये कि उसने लिखा हो कि परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹16,000, कि गुड्स हमने खरीदी हैं 16,000 रुपये की कैश पर, उसने शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दिया कैश परचेजेस। आपने खुद ही समझ जाना यहाँ पर कि ये वो परचेजेस हैं जो कैश पर, यानी कि हमने गुड्स खरीदी हैं 16,000 रुपये की पैसे देकर, कैश देकर। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं हमेशा परचेजेस अकाउंट बनाते हैं, और गुड्स परचेज करते हुए हमेशा परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, एक्सपेंस वाले रूल लगाते हैं, डेबिट करेंगे, और यहाँ पर अमाउंट आ रही है जी इसकी 16,000 से, और पैसे जो है वो हम दे रहे हैं, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। कैश जब भी कम होता है हमारा कैश एसेट होता है, एसेट में कमी हो तो क्रेडिट करते हैं, तो आपने यहाँ पर 16,000 से इसको क्रेडिट कर लेना है। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, लाइन ड्रॉ करें और इसकी नरेशन लिख दें, परचेज गुड्स फॉर कैश, और डेट इसकी मेंशन करेंगे जी 3 अगस्त की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नॉर्मल लिमिटेड ₹4,500। गुड्स परचेज कर रहे हैं नॉर्मल से, अब यहाँ पर पार्टी का नाम आ गया ना, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ऑन अकाउंट का वर्ड आ गया तो डबल वेरिफिकेशन हो रही है कि ये उधार वाली ट्रांजेक्शन है। गुड्स हम खरीद रहे हैं जी नॉर्मल से, इसका मतलब है जब हम चीज़ें खरीदते हैं पिछली ट्रांजेक्शन की तरह हम परचेजेज अकाउंट को लिखते हैं, जब भी गुड्स खरीदी जाएंगी परचेजेज अकाउंट लिखा जाएगा, और परचेज अकाउंट खरीदने की सूरत में हमेशा डेबिट होता है, तो अमाउंट यहाँ पर आ रही है जी 4,500, आप इसको 4,500 से डेबिट कर देंगे, ठीक है। और चूंकि ये चीज़ें हमने खरीदी उधार पर हैं, पैसे नहीं दिए, तो जिनको पैसे देने होते हैं, अब नूर मिल का नाम आ रहा है, तो नूर मिल हमारे लिए अकाउंट्स पेएबल हैं या क्रेडिटर हैं,
क्योंकि अकाउंटिंग में जिनको हमने पैसे देने होते हैं उनको अकाउंट पेबल या क्रेडिटर कहते हैं, और ये हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी होते हैं। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है हमारी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी में इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। तो चूंकि आपने नूर मिल को पैसे अभी दिए नहीं है बल्कि फ्यूचर में देने हैं, तो नूर मिल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। इनके ऊपर रूल्स कौन से लगाए हैं हमने, लाइबिलिटी वाले। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी, नूर मिल हमारे अकाउंट पेएबल है। ठीक है, बस ये बात याद रखनी है, हमने इनको पैसे देने हैं, जिम्मेदारी है हमारी, हमारा बर्डन बर्ड है इसलिए क्रेडिट किया। ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे, नरेशन लिखेंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिख लें या परचेज गुड्स फ्रॉम नूर मिल्स लिख लें, एक ही बात है। इसकी डेट जो आ रही है वो 4th of August है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो आ रही है वो 9th of August की आएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न टू नूर मिल लिमिटेड फॉर ₹500। समझे आप खुद ही इस हवाले से कि यहाँ पर हमने पिछली ट्रांजेक्शन में परचेज की थी नूर मिल से, अब जो चीज़ें हमने खरीदी हैं ना उसमें से ₹500 की चीज़ें हम उनको वापस करने लगे हैं। तो जब हम चीज़ों को खरीदते हैं तो हम परचेजेस अकाउंट के नाम से लिखते हैं, और अगर हम गुड्स को वापस करेंगे तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा जी, परचेजेस रिटर्न। ठीक है, परचेज हमेशा डेबिट हो रही होती है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न उसके ऑपोजिट इफेक्ट होएगा, यानी जब हम गुड्स खरीद रहे हैं परचेज हो रही हैं, गुड्स हमारे पास आ रही हैं। परचेज रिटर्न वाली सूरत में क्या होता है, गुड्स हमारे पास से जा रही होती हैं, तो परचेज रिटर्न जब भी आएगी हमेशा उसको क्रेडिट करेंगे। परचेजेस ने डेबिट होना होता है तो परचेज रिटर्न ने क्रेडिट होना होता। तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट को 500 से आप क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऑपोजिट जो है वो हमने ये अकाउंट परचेज को डेबिट किया, रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, उसके लिए अलग से अकाउंट बनता है बिजनेस में। जितनी भी रिटर्न्स आ रही होती हैं परचेजेस की, वो परचेजेस अकाउंट में नहीं आती बल्कि परचेज रिटर्न अकाउंट में आती हैं, सेपरेट अकाउंट में आती हैं। अच्छा, ये चीज़ें हमने उस वापस किसको की हैं, यहाँ पर आप देख लें ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ नूर मिल को ही वापस किए हैं जिससे खरीदी थी। तो जब आप उसको गुड्स वापस करोगे, आपने उसके टोटल देने थे ₹4,500, आपने लाइबिलिटी इंक्रीज की भी थी कि हमने उसको ₹4,500 देना है। ठीक है, उस पार्टी को, अब उसमें से अगर आपने ₹500 की गुड्स वापस कर दी हैं तो इसका मतलब है ₹500 से जो आपकी लाइबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी ना, जितने की चीज़ें आपने उनको वापस कर दी हैं कि सर हमें ये नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है अब हमने उन चीज़ों के पैसे भी नहीं देने हैं। तो लाइबिलिटी इट मीन्स कि 500 से कम होगी। लाइबिलिटी का रूल देखें, इंक्रीज हो तो क्रेडिट और कम हो तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। तो आपने यहाँ पर करना क्या, नूर मिल्स अकाउंट को ₹500 से डेबिट कर लेना, यहाँ पर लाइबिलिटी में डिक्रीज आ रही है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, नरेशन लिख लें, रिटर्न गुड्स टू नूर मिल्स लिमिटेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है जी 12 की, कैश सेल फॉर ₹9,000। तो 12 अगस्त कैश सेल का ही वर्ड लिखा हुआ। अब ये वाली ट्रांजेक्शन देखें और ऊपर 3 अगस्त की ट्रांजेक्शन देखें। 3 अगस्त में क्या लिखा हुआ था जी, कैश परचेजेस, यानी आपको बताया था वहाँ पर कि हमने गुड्स खरीदी हैं कैश पर, और इसी तरह से कैश सेल का मतलब हमने गुड्स बेची हैं कैश पर। तो बजाय ये कि पूरा सेंटेंस लिखता कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹9,900, ठीक है, तो उसने इसकी बजाय क्या लिखा है, कैश सेल, यानी कि सेल की है कैश पर। तो क्या हो रहा होगा बेसिकली कि कैश हमारे पास आ रहा होगा कस्टमर से और हम सेल कर रहे होंगे अपनी गुड्स को, सेल हमारे पास गुड्स हमारी सेल हो रही होंगी। तो दो अकाउंट्स बनेंगे यहाँ पर, एक कैश का बनना है और दूसरा सेल्स का बनना है। कैश जब हमारे पास आएगा कस्टमर से तो कैश हमारा बढ़ेगा, कैश एसेट होता है, इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। तो आपने यहाँ पर कैश अकाउंट को जी डेबिट करना है 9,900 से, और सेल की हैं गुड्स, जब भी सेल करते हैं उनके लिए सेल्स अकाउंट बनाते हैं, सेल हमारी इनकम होती है, इनकम जब भी बढ़ती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने 9,900 से क्रेडिट करना है और लाइन ड्रॉ करके इधर शॉर्ट नरेशन लिख देनी है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ट्रांजैक्शन में क्या हुआ जी, गुड्स सेल की हैं कैश पर। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, लिखा हुआ पेड टू नूर मिल लिमिटेड ₹3,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब वही बात आ रही है, फुल सेटलमेंट का वर्ड आ रहा है। आपको बताया था कि जब भी फुल सेटलमेंट का वर्ड आए तो जो अमाउंट भी डिफरेंस में रह जाएगी, बैलेंस में रह जाएगी, उसको डिस्काउंट बना लेना आपने।
नूर मील को आप 3800 पे कर रहे हैं फुल सेटलमेंट, यानी कि उसके उसके 3800 के बाद जो भी अमाउंट आ रही है वो डिस्काउंट बन जानी है। और इसको अगर हम देखें डिटेल से तो नूर मील वाली तीसरी ट्रांजेक्शन आ रही है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या किया था, हमने 4500 रुपये की गुड्स परचेज की थी, ये इधर मैंने लिखा हुआ। दूसरी ट्रांजेक्शन में क्या किया था, नूर मील को 500 रुपये की चीज़ें वापस कर दी थी, ठीक है, इधर लिखा हुआ। तो 4500 की खरीदी, 500 की वापस कर दी, इसका मतलब है 4000 रुपये हमने अभी भी उनको देना था, ठीक है, 4000 रुपये हमने अभी भी उनको पे करना था। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पेड टू नॉर्मल लिमिटेड, हम पे कर रहे हैं नॉर्मल लिमिटेड को, कितने रुपये दे रहे हैं, 3800। तो उसका मतलब है सारे पैसे नहीं दे रहे, 3800 दे रहे हैं, 200 उन्होंने हमें खुद ही छोड़े होंगे, जिनसे जिन्होंने पैसे लेने होते हैं उनकी मर्जी है वो पूरे लें या कुछ हमें रिलैक्स कर दें। तो हमने उनको 4000 ये सूलन देने थे, लेकिन उन्होंने हमें 3800 कहा होगा कि 38 पे कर दें, उसका मतलब है 200 हमने उनको पे नहीं करने। अभी जो 200 है ना ये डिस्काउंट है, और इसके लिए ही फुल सेटलमेंट का वर्ड आया, यानी कि देने उनके 4000 थे, दे उनको 3800 रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप इसकी एंट्री पास करोगे तो कैसे होगी, कैश जा रहा होगा हमारे पास से, कैश हमारा एसेट होता है, एसेट जब भी कम होता है डिक्रीज होती है ग्रेड करते हैं, और हमें हमने उनको 4000 देना था ना, 38 दिया ना, तो 200 हमें बचा, ठीक है, ये हमारे लिए डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट इसका मतलब हमें उनसे मिल रहा है, तो जब भी डिस्काउंट रिसीव होता है वो हमारी क्या होती है जी, इनकम, और इनकम जब भी बढ़ती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देना 200 रुपये से, ठीक है। तो 4000 देना था, 3800 का चेक दे दिया, 200 रुपया उन्होंने हमें छोड़ दिया। अब इसका मतलब है हमने फ्यूचर में उनका कोई नहीं पैसे देने, तो हमारी जो लाइबिलिटी है ना वो 4000 रुपये से ही कम होगी। लाइबिलिटी को हम जब ख़त्म कर देंगे तो वो 4000 से ही करेंगे। तो आपने नूर मिल को डेबिट कर देना 4000 से। डेबिट क्यों कर रहे हैं, इसका रूल आपको पहले भी बताया हुआ है कि लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज, जब पैसे दे रहे हैं तो लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है ना, और लाइबिलिटी जब भी कम होती है लाइबिलिटी की डिक्रीज हमेशा डेबिट होती है, इसलिए 4000 से डेबिट किया। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन के एंड पर लाइन लगाएंगे, फुल सेटलमेंट वाले स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन के अंदर डिस्काउंट की अमाउंट नहीं बताई जा रही होती, वो हमें खुद निकालनी होती है, जैसा कि हमने निकाली है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे क्या, कैश पेड टू नॉर्मल इन फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें जी, सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹1500। 1500 रुपए की गुड्स आप बेच रहे हो मुबीन एंड कंपनी को। अब यहां पर पार्टी का नाम आया हुआ, कैश का वर्ड नहीं है, इसका मतलब है कि चीजें बेची हैं, पैसे नहीं लिए, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार पर चीजें बेची हैं। तो जब आप गुड्स सेल करोगे तो उसके लिए हमेशा कौन सा अकाउंट बनाओगे, सेल अकाउंट, और सेल हमेशा क्रेडिट होती है, याद रखेंगे। तो सेल हमेशा क्रेडिट क्यों होती है, सेल हमारी इनकम होती है, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। तो चीज़ें हमने यहाँ पर चूंकि बेची हैं 1500 की, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, और बेची किसको हैं, मुबीन एंड कंपनी को, उधार वाली ट्रांजेक्शन है क्योंकि कैश का वर्ड नहीं है। तो चूंकि हमने ये चीज़ें उधार पर बेची हैं, इट मीन्स कि हमने उनसे पैसे लेने हैं। तो जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको अकाउंट रिसीवेबल या डेटर कहते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, एसेट, और एसेट जब भी बढ़ता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो हमने चूंकि उनसे पैसे लेने हैं, हमें फ्यूचर में उनसे बेनिफिट होगा, इसलिए मुबीन एंड कंपनी अकाउंट को के ऊपर मैं अकाउंट रिसीवेबल वाले रूल लगाऊंगा, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो 1500 रुपया हमने उनसे लेना है फंड, 1500 से आप इसको डेबिट करेंगे, और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी नरेशन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं जगह चूंकि कम है इसलिए ऊपर वाला एरिया में मिटाने लगा हूँ। आप लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ें और बताएं जी उसका क्या ट्रीटमेंट हमने करना है। ये टोटल 5 ट्रांजेक्शन हमारी बाकी हैं, तो यहाँ तक का एरिया मैं रेस कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं रफ लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट कि हमारा टाइम जो है वो सेव हो। तो इसके लिए ये डेट का कॉलम था जी,
ये हमारा लेजर फोलियो, बल्कि इट इज़ बेटर कि मैं एक मिनट लगाकर स्केल ही यूज़ कर लूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ आपका वीडियो का टाइम शॉर्ट करने के लिए मैं चाह रहा था कि आप डायरेक्ट जो है वो लाइंस लगा दूँ, लेकिन वो अच्छा भी नहीं लग रहा और थोड़ा सा जो है वो इशू आ रहा है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को आप उतनी देर पढ़ लें ज़रा अच्छे तरीके से और उसको अंडरस्टैंड करें, अकाउंट्स कितने बनने हैं। जी तो टोटल इस ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट हैं जी, लॉस वाली ट्रांजेक्शन है ये, तो जब भी लॉस होता है लॉस के ऊपर आप क्या करते हैं, एक्सपेंस वाले रूल लगाते हैं, तो आपका इस ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ, लॉस बाय एक्सीडेंट वाइल गुड्स वर इन ट्रांजिट, लॉस हुआ है गुड्स का, किसकी वजह से, एक्सीडेंट हुआ जी, कब हुआ है, वर इन ट्रांजिट, जब गुड्स कब क्या थी, ट्रांजिट यानी कि सफ़र में थी, जब गुड्स को आप यूं कह लें एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा था ना, तो रास्ते में ही कहीं जो है वो एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का और उसकी वजह से गुड्स जो है वो 7500 इन ट्रांजिट कहते हैं रास्ते को, तो ट्रांजिट का जो वर्ड है वो रास्ते की सेंस में आता है, तो 7500 रुपीज़ जो है वो अमाउंट है। अब लॉस का वर्ड आ रहा है तो आप याद रखें कि लॉस के ऊपर आपने रूल इन्हीं अकाउंट्स में से ही लगाने हैं, तो लॉस जो है बेसिकली आपका एक्सपेंस होता है जी, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं, तो लॉस हो रहा है यहाँ पर 1575 का, आपने क्या करना है, लॉस को डेबिट करना है 1500 से, 75 से सॉरी। अब ये देखें यहाँ पर मैंने 75 से डेबिट किया है, लेकिन खाली लॉस का वर्ड नहीं लिखना, लॉस की रीज़न भी लिखनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखेंगे और लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट, यानी आपने अकाउंट बनाया, क्या मतलब है कि आपकी गुड्स कुछ इस तरह की हैं या आपकी गुड्स जो है वो कंटिन्यूसली ट्रांजिशनल फॉर्म में होती हैं, कहीं आप भेज रहे होते हैं कहीं से आप मंगवा रहे होते हैं, तो आपको जो है वो पता है कि कुछ ना कभी ना कभी हादसा हो सकता है गाड़ी को, तो आपने क्या किया कि जो गुड्स जो है वो काउंटिंग में बहुत जो है वो आप यूँ कह लें कि डिटेल से हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं, तो ये भी बेनिफिट है, पता लग जाता है हम अगर इसका अकाउंट ही अलग बना लें कि 75 के गुड्स वो हैं जो लॉस की वजह से ज़ाया हो गई हैं, लेकिन लॉस किस वजह से हुआ, अब लॉस जो है वो अकाउंटिंग में दो से तीन तरह का आपके लेवल पे आ रहा होगा, एक लॉस बाय एक्सीडेंट होगा, एक लॉस बाय थेफ्ट होगा, एक लॉस बाय फायर होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है वो सात रीज़न भी लिख रहे हो कि लॉस तो हो रहा है लेकिन वो किसकी वजह से, एक्सीडेंट, तो जब आप इसका अकाउंट बना लोगे तो आपको पूरे साल के अंदर अगर कोई गुड्स एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हुई हैं तो उनकी डिटेल अलग से मिल रही होगी, ठीक है जी, तो लॉस चूँकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस के रूल लगाएंगे, डेबिट करेंगे, और यहाँ पर चूँकि गुड्स हमारी ये वेस्ट हो गई हैं, 75 की गुड्स हमारी ज़ाया हो गई हैं, तो ज़ाया अगर हो गई हैं तो आपने क्या करना होता है, जो गुड्स आपने परचेज़ की होती हैं डेफिनेटली ख़रीदी हुई चीज़ों में से ही 75 की गुड्स में कमी आ रही होगी ना, यानी जितना का स्टॉक आपने 1000 रुपये का स्टॉक ख़रीदा या आपने मंगवाया परचेज़ किया था 1000 का, उसमें से 75 की ज़ाया हो गई, तो परचेज़ में से ही आपने कम करनी है ना चीज़ों को, वैल्यू चीज़ों की वैल्यू, तो आपने करना क्या है, ये सेल के गुड्स के लिए या तो दो वर्ड्स आते हैं या परचेज़ का या सेल का, तो आप सेल तो कर नहीं रहे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपने अपनी परचेज़ को कम करना है, तो ख़रीदी हुई चीज़ों में से 7500 की चीज़ें डैमेज हो गई हैं, इसलिए आपने उसको क्रेडिट किया, जब हम परचेज़ करते हैं डेबिट करते हैं, और परचेजेस में अगर कमी आ रही होगी तो क्रेडिट करेंगे। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वह है जी 22 अगस्त, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करें और इधर लिख दें लॉस बाय एक्सीडेंट, ठीक है, या गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर रुपीज 125, 125 रुपये की गुड्स जो हैं वो मुबीन एंड कंपनी की तरफ से वापस आ रही हैं। अब अगर हम मुबीन एंड कंपनी वाली ट्रांजेक्शन देखें तो आपको यहाँ पर मुबीन से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन मिल रही होगी वो 21 अगस्त की है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि गुड्स बेची हैं, सेल की हैं 1500 की मुबीन को, तो यहाँ पर हमने मुबीन से पैसे लेने थे,
अब इस ट्रांजेक्शन में वो ये कह रहा है कि आप गुड्स वापस जो है वो गुड्स वापस आ रही हैं मुबीन एंड कंपनी की तरफ से 125 की। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आपने बेची थी तो आपने उसके लिए सेल्स का वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। गुड्स बेची हुई चीज़ें अगर वापस आ रही हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सेल रिटर्न का वर्ड यूज़ करते हैं। तो सेल्स रिटर्न जो है वो बेसिकली ऑपोजिट है किसके, सेल्स अकाउंट के। सेल आपको बताया था मैंने क्वेश्चन के अंदर कि हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल अगर क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न उसका ऑपोजिट अकाउंट है, तो डेफिनेट बात है सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट होगी। और यहाँ पर जब आप इसका रूल लगाएंगे और एंट्री पास करेंगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, ठीक है। अमाउंट जो दी हुई है ट्रांजेक्शन में वो है 125 से। अब ये जो गुड्स वापस आ रही हैं ये आ किसकी तरफ से रही हैं, यहाँ पर पार्टी का नाम लिखा हुआ है मुबीन एंड कंपनी। तो मुबीन एंड कंपनी के वाले से अगर हम बात करें तो आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने इनसे पैसे लेने थे, ये हमारे डेटर्स थे, डेटर हमारे एसेट होते हैं, एसेट जब भी इंक्रीज हों डेबिट करते हैं और जब डिक्रीज हों तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो अब अगर वो हमें 125 की गुड्स वापस कर गए हैं तो इट मीन्स कि हमने 125 रुपये भी उनसे नहीं लेने, तो आप यहाँ पर अपने डेटर्स को डिक्रीज कर रहे होगे। तो मुबीन एंड कंपनी अकाउंट 125 से क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डेटर्स, ठीक है, यानी अकाउंट रिसीवेबल में कमी आ रही है। और यहाँ पर जब आप इसकी नरेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। ट्रांजेक्शन की जो डेट है दैट इज 24th of August। आए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 25th of August की ट्रांजेक्शन में कि पेड ट्यूशन फी ऑफ ऑनर चिल्ड्रन ₹300। ऑनर्स के बच्चों की ट्यूशन की फीस जा रही है, पेड का वर्ड आ रहा है। तो आपको बताया था कि जब भी पेड का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि बिजनेस में से कैश आउट हो रहा होगा। तो कैश बिजनेस का एसेट होता है, जब भी एसेट कम हो, रूल क्या बताया, एसेट की जो डिक्रीज है वो क्रेडिट होती है, तो आपने 300 से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लेना। अब यहाँ पर जब ऑनर का वर्ड आ गया ना, तो आपको बताया था कि जब भी पर्सनल यूज के हवाले से ऑनर कैश लेकर जा रहा हो या गुड्स लेकर जा रहा हो, हम हमेशा कौन सा अकाउंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं, डेबिट हो रही हैं, तो आपने यहाँ पे करना क्या जी, ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से इस अमाउंट को 300 से डेबिट कर देना है, क्योंकि ऑनर के जाती इस्तेमाल के लिए ये पैसे यूज़ हो रहे हैं, बिजनेस में नहीं यूज़ हो रहे। तो जब भी जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस का कैश यूज़ हो रहा हो हमेशा हम उसके लिए ड्राइंग का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जब आप नरेशन लिखोगे तो वो क्या होगी, कैश विदड्रॉ फॉर ऑनर्स यूज, और ये ऑनर पर्सनल यूज दोनों तरह से ठीक है। ये जो ट्रांजेक्शन थी दैट इज पास ऑन 25th of August। आए जी अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर देखें जरा, इसको भी तवज्जो से पढ़िएगा क्योंकि इसमें भी जो है वो सेटलमेंट का पॉइंट आ रहा है। क्या लिखा हुआ 26th of August में कि रिसीव डिस्काउंट ऑफ ₹50 फ्रॉम मुबीन एंड कंपनी एंड सेटल्ड हिज अकाउंट, ₹50 डिस्काउंट के तौर पर जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है, किससे, मुबीन एंड कंपनी से। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आपको कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली समझनी है, हम जो है वो हमने डिस्काउंट क्या करना है, मुबीन एंड कंपनी को असल में देना है, क्योंकि आप यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन को देखें, मुबीन एंड कंपनी अकाउंट टू सेल अकाउंट, तो हमने सेल की थी ₹1500 की और हमने उनसे ₹1500 लेना था, ठीक है। तो 1500 हमने उनसे रिसीव करना था। उसके बाद आप इस ट्रांजेक्शन में देखें जो 24th of August की थी, इसमें से ₹125 की गुड्स जो है वो वापस कर गए हमें, तो 1500 में से अगर आप 125 को लेस करते हो तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट, ये आ जाएगी ₹1375, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है जी, रिसीव डिस्काउंट फॉर ₹50। एक तो आप ठीक कर लें, ये बुक में गलती है,
रिसीव डिस्काउंट नहीं है, ये अलाउड डिस्काउंट है, ठीक है, क्योंकि हमने उनसे पैसे लेने हैं ना तो हम उनको डिस्काउंट देंगे। ऐसा नहीं होता कि हमने उनसे पैसे लेने हो और वही हमें कहें कि डिस्काउंट लें, तो ऐसे नहीं है ये, आप इसको ठीक करें। रिसीव्ड की जगह पर आप अलाउड का वर्ड लिखेंगे, तो ये बुक में मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। पिछले सेशंस में भी जो है वो ये एडिशन के अंदर ठीक करवाते रहे लेकिन अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई, बेहतर नहीं हुई ये गलती, तो इसको आप रिसीव्ड की जगह क्या करेंगे, अलाउ। और टेक्निकली और लॉजिकली भी ये क्या बनता है, डिस्काउंट दिया जा रहा होता है, तो 50 रुपये जो है वो आप उनको क्या कर रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे मुबीनन कंपनी से और उसके अकाउंट को आप सेटल कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पर क्या कि अगर हम उसको रिसीव कर रहे हैं, हमने उनसे 1375 रुपये लेने थे, 50 रुपये अगर हम उसमें से उनको छोड़ दें तो हम उनसे ले कितने रहे होंगे, तो आपने 1375 में से 50 रुपीज़ को लेस कर देना, बाकी रह गया 1325। तो इट मीन्स कि हम उनसे 1325 रुपये ले रहे होंगे, कैश हमारे पास आएगा, कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और हमने उनको डिस्काउंट देना है क्योंकि पैसे लेने हैं हमने, तो हमने ही भी डिस्काउंट देना है, तो कितने रुपए, 50 रुपये हम उनको छोड़ रहे हैं, डिस्काउंट जो हम उनको दे रहे हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा ये बात आप देख लें कि अगर रिसीव डिस्काउंट लिखा हो ना तो इसका मतलब ये भी है कि हम अगर दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो ले रहे हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से ट्रांजेक्शन की सेंस में जो है वो थोड़ा मसला हो जाता है। मेरी नज़र में जो है ना वो ये अलाउड डिस्काउंट होना चाहिए था, बहरहाल अगर रिसीव डिस्काउंट लिखा हुआ तो इसका मतलब वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ, हम लोग अपने एंड पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमने क्या किया होगा, हमने उनको डिस्काउंट दिया ही होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, और है भी डिस्काउंट अलाउड, रिसीव डिस्काउंट अगर आपने लिखना है तो वो कोई फर्क उसे नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर यह है कि यहाँ पर वो उसको अलाउड डिस्काउंट करते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है ऐसे। इसके साथ ही आप जो है वो मुबीनन कंपनी को पैसे अगर ले लिए जाएं तो आप उनको डेटर को आप कम करते हैं, मुबीनन कंपनी हमारे डेटर्स थे, अकाउंट सेबल थे, कमी हो तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे उसको क्रेडिट किया। और यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे कि कैश रिसीव्ड एंड अलॉड डिस्काउंट या कैश रिसीव इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, और ये अमाउंट थी जी 26th August की। और अब देखिएगा जरा लास्ट ट्रांजेक्शन जो मेरे पास आ रही है, दैट इज क्या जी, इंश्योरेंस प्रीमियम के हवाले से बात हो रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं 330 रुपये। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब इंश्योरेंस का या अगर करवाई हो बिजनेस ने किसी भी चीज़ के हवाले से, तो इंश्योरेंस की फिर उनको किस्त पे करनी पड़ती है, इंश्योरेंस वालों को इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं ना उसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं, और इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो बिज़नेस का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है उसको डेबिट करते हैं। तो आपने क्या करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम को के नाम से इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा 330 रुपये से, और पेमेंट जो है वो किस फॉर्म में हो रही होगी, इंश्योरेंस की जो किस्त आपने अदा की है वो कैश की सूरत में, तो कैश हमारे पास से जा रहा होगा, कैश हमारा एसेट होता है, कम हो तो क्रेडिट करते हैं। इसकी जो डेट आएगी ये आ रही होगी जी 30 अगस्त, तो 30th August को आपने ये रिकॉर्डिंग करनी है, और यहाँ पर नरेशन लिखेंगे पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा लास्ट सेंटेंस था, लास्ट ट्रांजेक्शन थी, ये क्वेश्चन नंबर 12 था जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में कोई मसला है तो इसकी प्रैक्टिस करें अपने एंड पर, कोई इशू आता है इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर जो है वो सॉल्व किया, डिटेल से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आप लोगों के पॉइंट्स निकलते हैं तो आप लाजमी बताएं, कमेंट्स करें, और जो है वो स्टूडेंट्स अगले स्टूडेंट्स को बताएँ, अपने साथ ही फेलोज़ को बताएँ, ताकि जो है वो उनको भी इन वीडियो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो उनको भी जो है वो फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह ताला मैं लेजर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसका इंट्रो बताऊंगा, इंट्रोडक्शन, उसकी बेसिक्स बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम उसके अगले क्वेश्चंस कर रहे होंगे उसकी एक्सरसाइज के। थैंक यू सो मच।